नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। बारिश का मौसम है, ऐसे में जहरीले जीव जंतुओं का निकलना भी आम बात है। इन जंतुओं के बिलों में पानी भरने से यह सतह पर आ जाते हैं और सूखे स्थान की तलाश में ये रिहायशी इलाकों में इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी ही घटना ग्वालियर के रानीपुरा इलाके में हुई, जहां सांप के काटने से एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने उसे तुरंत ही कमला राजा अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले इस बच्चे का नाम उदय था और यह 10 साल का था। अरे वो सो रहा था नीचे, सोने के बाद में वो तो सांप ऐसा दूर चला गया, तो बाबा हमें ये नहीं पता कि वो सांप ने काट लिया है। जो डॉक्टर साहब के जाए जब भर्ती करो जब पता पड़ो, हमने कहा डॉक्टर सांप ने काटा है। इसको काटा था 4 बजे के टाइम। ये रानीपुरा से सूचना आई थी, मृतक के परिजनों ने बताया कि सांप काटने से उसकी मृत्यु हुई है। रानीपुरा गोसपुरा, बच्चे का नाम उदय था, करीब 10 साल की उम्र थी उसकी। कमला राजा हॉस्पिटल में 2 दिन से एडमिट था। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू, न्यूज आज। इस खबर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।